तमाची कहाँ है और सागर भी दिखाई नहीं दे रहा। माँ वो लोग दोस्तों के साथ बाहर गए होंगे, आ जाएंगे अभी। वैसे हमेशा अपने मांग में लगाए रखना, इसमें तेरे सागर का वादा है, तुझे कभी ना छोड़ने का वादा। मेरी सांसें गंगा की, मेरा जीवन गंगा का, तो फिर मेरा नाम गंगा का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो नाम मैंने दिया तुम्हें, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे पुरखों का, मेरे खानदान का नाम किसी विधवा को मिले। सही तो कह रहे हैं समधी जी, कहां जज साहब का खानदान और कहां ये विधवा। भगवान के लिए चुप हो जाओ, ये इनके घर का मामला है, हमें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। सुना ना आपने आंटी, कल आपने भी सुना क्या कहा इन्होंने? राघव अंकल आपने सुना इन्होंने क्या कहा? ये वही जज साहब है ना जो कोर्ट में बैठकर बड़े बड़े फैसले सुनाते हैं, कानून की किताबें सारी धाराएं इन्हें रटी हुई, एक सेकंड में बता देते हैं कि किस जुर्म पर कौन से एक्ट के मुताबिक केस चल रहा है ना, वही जज साहब है ना। मगर अफसोस उसी कानून के किताब के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को इन्होंने अपनी सहूलत के लिए बड़ी आसानी से भुला दिया। मैं बताता हूं वो चैप्टर कौन सा है। कानूनन एक विधवा को दूसरी शादी करने का हक है, लेकिन हमारे जज साहब उस विधवा को यह हक देने से मना कर रहे हैं, जिसे इन्होंने कभी अपनी बच्ची माना था, जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने अपने सर ली थी, बड़े शान से उन जिम्मेदारियों को निभाने का वादा किया करते थे ये, है ना? किया करते थे ना? बताइए। हाँ, बड़े ओहदे पर ऊंची कुर्सी पर बैठकर दूसरों को सलाह देना, सही गलत में फर्क बताना, यूं फैसले सुनाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी खुद की जिंदगी में उन्हीं बातों पर अमल करना बहुत मुश्किल। पापा आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आज आप गंगा से नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं ना। बस कर लल्ला। क्यों दादी, क्यों बस करूं मैं? समझता हूं मैं दादी, समझता हूं मैं, अपने बेटे के खिलाफ सुनना अच्छा नहीं लगा ना आपको, कैसे लगेगा? आखिर मां का दिल ही होता है ऐसा। नदी मैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे मां बाप के दिल ऐसे पत्थर कैसे हुए? उन्हें मेरा प्यार, मेरी तड़प, मेरी इच्छा कुछ दिखाई क्यों नहीं देती? कुछ नहीं दिखाई देती ना। आप लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर, अपने खानदान का नाम मुझे देकर। लेकिन अगर मैं अपने नाम से जुड़ा आपका नाम निकाल दूं तो अपने बाप का नाम छोड़ेगा, हम सबको छोड़ेगा? कान खोल के सुन ले लल्ला, मैं
तेरा पाप, तेरा परिवार, धर्म, समाज, कोई नहीं इस विधवा पे रंग देने की अनुमति देता है। कान खोल के सुन ले, आंखें खोल लल्ला, आंखें खोल, इस विधवा को अपने जीवन से निकाल दे। विधवा 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 विधवा, थक गया मैं सुनते सुनते। ये दादी, ये देखिए, ये क्या है? ये लाल रंग, सिंदूर, सुहाग की निशानी। आपका समाज इसी सिंदूर को देखकर एक शादीशुदा औरत को पहचानता है, राइट? राइट दादी? ये देखिए, ये सिंदूर गंगा को मैंने लगाया है। गंगा मेरी पत्नी है, हम प्यार करते हैं एक दूसरे को। और दादी, जिस दिन मैं मर गया उस दिन गंगा को विधवा बुलाइएगा, उससे पहले नहीं। क्या बोल गए? निकल जाओ मेरे घर से अभी। Get out of here! नहीं पापा, एक काम करना है, उसके बाद ही जाऊंगा। अपना हमारी घर की दोनों बहुओं की पहली होली है ये। रंग लगाए बिना कैसे चला जाऊं? जिस घर में आपकी आपकी पहली होली है, I'm sorry, लेकिन आज ये सब तमाशा हो गया। लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, आज का हिसाब किसी और दिन जरूर पूरा कर दूंगा मैं। तो दादी, किसी लड़की के जिंदगी से सारे रंग छीन लेते ना आप सबके, वो पुराने सोच, वो बेकार कायदे कानून, वो पुराने परंपराओं ने, आज गंगा की सुनी बेरंग जिंदगी को मैं रंगों से भर दूंगा। ले लाल रंग,
पीला, पीला। ये सारे रंग आज से तेरे हुए गंगा। ये सारे रंग मैं तुझे देता हूं। अब ना कोई अदालत, ना कोई नियम और ना ही कोई जज ये तुझसे छीन सकता है। सोच सबके सामने आ गई और ऐसा होता ही नहीं। अगर आपने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो, अगर नहीं, मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा। बिकॉज यू आर अ कावर्ड। उस दिल है आप, समाज में अपना नाम बनाने के लिए, अपना नाम रखने के लिए एक विधवा को अब घर तो ले आए, लेकिन उसी सोसाइटी से टुकराए जाने के डर ने आपको आपको कायर बना दिया। कानून का रखवाला गिने चुने लोगों से डर गया, कानून की रक्षा कैसे करेगा? समझता हूं मैं पापा, सब समझता हूं। ये पुराने परंपरा रीति रिवाज उन्होंने आज आपके हाथ बांध के रखे, सही फैसला लेने का साहस नहीं है आप में अभी, लेकिन कल कल पापा आपको जरूर रियलाइज होगा कि आज जो आपके बेटे ने किया है बिल्कुल सही किया है। उस दिन आपको अपने बेटे पर नाज होगा। चल गंगा, मेरा काम हो गया।
होली मुबारक हो। अच्छा हुआ सागर कि तुमने फूल फेंके, रंग नहीं, नहीं तो आज तुमसे बहुत बड़ा पाप हो गया होता बेटा। विधवाएं होली नहीं मनाती, रंगों से उनका कोई नाता नहीं होता। घर वालों की नजरों में एक पाप हो गया है मुझसे, देखिए ना। अच्छे से देखिए, देखिए कोई और रंग होना चाहिए क्या? सब लगाया ना मैंने, ये देखिए ना, ये देखिए लाल, ये हरा, ये पीला, ये देखिए नीला भी, हरे रंग लगाया मैंने। गंगा की जिंदगी फिर से रंगों से भरती मैंने। और हाँ, सबसे गहरा रंग डार्क। जिस रंग के आगे दुनिया का हर रंग फीका पड़ जाता है। और जानती है सुधा, वो गंगा से प्यार करने की क्या सजा मिली है मुझे? अपने हाथों से मुझे, अपने सारे परिवार से, अपनों से सारे रिश्ते तोड़ने पड़े। सारे रिश्ते तोड़ के चला गया, अपने पूरे परिवार को छोड़ के चला गया उस गंगा के लिए। इतना बड़ा संकट आ गया हमारे परिवार पे, कुछ दिल दिल के टूट गया, सब बिखर गया। नहीं अम्मा जी, मैं अपने परिवार को, अपने घर को टूटने नहीं दूंगा। गलती मेरी ही है तो शायद गलत बेटे से उम्मीद लगाए बैठा। हमेशा सागर की तारीफ करता रहा पर हमेशा पुलकित में खामियां ढूंढता रहा, गलत समझा उसे। सागर तो हर रिश्ता तोड़कर चला गया लेकिन पुलकित तो इस घर का बड़ा बेटा है ना, और इस घर को संजो के रखने की जिम्मेदारी बड़े बेटे की होती है ना। मुझे पूरी उम्मीद है इस मुश्किल वक्त में पुलकित ही मेरा साथ देगा। पापा, पुलकित बेटे तो कहाँ चला गया था? हम सब कब से तेरी राह देख रहे थे, होली में भी नहीं आया। ये लॉयर को अपने साथ क्यों लाया? कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। फॉर्मेलिटीज? कैसी फॉर्मेलिटीज? आप सही कहते हैं पापा, बार बार लोगों के आगे हाथ फैलाना, भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो आज मैं आपसे अपना हक मांगता हूं। ये घर दादाजी की ये प्रॉपर्टी, इस पे मेरा भी हक है, राइट? तो बस कर दीजिए बंटवारा।